अगर आप भी चाहते हैं कि अपने साथी या पार्टनर को कभी किसी भी हाल में नहीं खोना है और ऐसा करके रखना है कि आपको कभी भी धोखा ना दे, तो सबसे पहले समझिए ऐसा क्या चीज़ करोगे या फिर क्या उपाय करोगे जिससे कि रिश्ता को हमेशा बनाए रख सकते हो, दूर भी चले जाए कुछ समय के लिए फिर भी वह वापस आ जाए, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी स्थिति ऐसा हो कि वह आपके साथ बंध जाए हर हाल में। तो बात यहाँ पे मैं क्या चीज़ की कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई भी रिश्ता, खासतौर से पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, लव रिलेशनशिप, खोखला कब होता है? खोखला होने का कारण है उसमें दो लोगों के बीच में जुड़ाव नहीं है। अब यहाँ पे जुड़ाव का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो जुड़ाव होने के लिए एक दूसरे का मन मिलना जरूरी है, विचार मिलना जरूरी है, एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं उसका मिलन होना जरूरी है। यह सब मिल जाएगा तो व्यक्ति खुद ब खुद आपको आपके सामने प्रकट ही रहेगा। जब तक आप उससे जुड़े रहेंगे तब तक वह आपके पास रहेगा या रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाधा कौन डालता है, इस चीज़ में कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, अर्थात यह ऑटोमेटिक मोड में क्या चीज़ चलता है जिससे आप चाहकर भी, चाहता तो सब कोई है कि साथी, प्यार, पार्टनर सब बना रहे, तलाक, ब्रेकअप, ये सब चीज़ों से कोसों दूर रहे, लेकिन होता क्यों नहीं? तो होता यहाँ है और इस कारण से होता है, इसे पहले जानिए। सबसे पहले आपके अंदर जो चल रहा है, मन के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या चल रहा है? धोखा चल रहा है। वहाँ पर क्या चल रहा है? छल चल रहा है। वहाँ पे वासना भी चल रहा है। वहाँ पे मैं घमंड चल रहा है कि मैं ही क्यों करूँ। वहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें चल रहा है जो रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है या फिर रिश्ते को तोड़ने के कगार पे हैं। तो यह सब चीज़ें आपके रिश्ते को पूर्ण रूप से आपसे अलग कर देगा और परिणाम क्या होगा? ब्रेकअप के रूप में होगा, तलाक के रूप में होगा, या दूर होने के रूप में, किसी भी रूप में होगा। पहले तो अंदर में ही यह सब चीज़ हुआ, उसके कारण यह सब चीज़ आपको बाहर दिख रहा, क्योंकि अंदर में जितना आपके उसके लिए मिलन होगा, जुड़ाव होगा, यह सब चीज़ें आपसे अलग होगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ करेंगे कि आप उससे पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, चाहे स्थिति कोई भी हो या फिर कोई भी अवस्था में आप उसके साथ बने ही रहेंगे। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया है कि दूरी आपके अंदर से, मन से, विचारों से, भावनाओं से, तो उसे ही जोड़ना है। तो उसे जोड़ने के लिए आपको उसके लिए ध्यान लगाना होगा और ध्यान का सबसे उचित समय रात्रि में सोने से पहले, बस उसका नाम जाप करते रहिए। सोने से पहले जितना हो सके नाम जपिए, उसे ध्यान लगाइए, फिर आप उसके साथ जुड़ते जाएंगे और वह मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए आपको।